जय जोहार, जय मूल निवासी साथियों। मैं हरीश परमार, राष्ट्रीय किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष पाली, आप सभी साथियों से अपील करता हूँ। पहले तो मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं थोड़े समय के बाद आपसे जुड़ रहा हूँ, क्योंकि आपसे जुड़ने में थोड़ा समय लगा, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, इसलिए अब ठीक है। आगे से हम बहुत जल्दी आपसे रूबरू होते रहेंगे और इसी तरह बहुत सारी बातें आपके साथ में शेयर करेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि इस देश में किसानों की वास्तविक समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं का निर्माण क्यों हुआ। जब गुलाम भारत में किसान आत्महत्या नहीं कर रहे थे, तो आज़ाद भारत में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, ऐसे तमाम मुद्दों को हम आगे बताएंगे। मगर आज आपसे रूबरू होने का कारण यह है कि केंद्र सरकार ने जो कानून पास किए, अगर वो कानून अमल में लाए जाते हैं तो किसानों के पास में जो बची खुशी ज़मीन है वो भी उनकी छीन ली जाएगी, किसानों की फसल का उत्पादन का उनको दाम नहीं मिलेगा और किसान अपने ही ज़मीन पर बंधुआ मजदूर बनकर रह जाएगा। क्योंकि इस कानून में ऐसे ऐसे प्रावधान है साथियों, केंद्र सरकार आपसे झूठ बोलती रही, मीडिया के माध्यम से गलत बयानी करती रही और आपको ये कहती रही कि ये कानून अच्छे हैं, ठीक हैं। अगर कानून अच्छे हैं, ठीक हैं, तो भाई किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? भाई आपको अगर कोई हलवा खाने के लिए देता है तो आप क्या मना करते हो? उदाहरण के लिए समझाता हूँ, खाते हो ना, क्योंकि हलवा है, मीठा है, अच्छा लगता है, तो फिर किसान इसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? साथियों, ये किसान कृषि जो काले कानून लाए गए हैं, ये किसानों के हित में कतई नहीं है, ये उद्योगपतियों के हित में है और मोदी जी और बीजेपी सरकार ने जानबूझ करके अपने उद्योगपति मित्रों के लिए, अडानी और अंबानी के लिए ये बिल संसद में पास किए और अब इसको लागू करने की तैयारी में है, इसलिए किसान विरोध कर रहे हैं। इसमें साथियों, जो हम फसल लेके मंडियों में जाते हैं वो मंडियां समाप्त हो जाएगी, प्राइवेट लोग बाहर से ही, मंडी के बाहर से ही उठाएंगे, इसका बड़ा नुकसान कुछ किसानों को उठाना पड़ेगा। क्योंकि किसानों को पहले लालच दिया जाएगा, जैसे जियो की सिम ने लालच दिया और अब भुगतान लोग कर रहे हैं उसका, ये मात्र एक उदाहरण है। इसी तरह से किसानों का भी शोषण होगा, पहले लालच दिया जाएगा, 1-2-3 साल अच्छे दाम दिए जाएंगे किसानों को और बाद में जब पूंजीपति उस फसल का स्टॉक कर लेंगे, उद्योगपति उस फसल को जमा कर लेंगे और मार्केट में पूरी उस फसल की किल्लत कर देंगे, जब आपको ज़रूरत होगी तब उसको उतारेंगे और मन मांगे दाम पे आपको खरीदना पड़ेगा। तीसरी बात, मोदी जी हमेशा संसद में कहते हैं और हर जगह बयानबाजी करते हैं कि MSP थी, हैं और रहेगी, तो फिर कानून बना दीजिए ना। किसान 9 महीने से बैठ के यही तो बता रहे हैं मोदी जी आपको कि इस MSP पे कानून बना दीजिए, 2 लाइनें तो जोड़नी है और क्या करना है, तो फिर इतनी आनाकानी क्यों? साथियों, इसका कारण न बीजेपी है, न मोदी जी हैं, इसका कारण है इस देश में ब्राह्मणवाद। हमारे बहुत सारे साथियों को, जागरूक क्रांतिकारी साथियों को सब ये पता है, उनको बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए। मैं तो उन सभी साथियों से अपील करता हूँ जो जिस क्षेत्र में माहिर है, एक्सपर्ट है, जो एक्सपर्टाइज हैं, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, भाषा के क्षेत्र में हो, या फिर समाज, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, जिस किसी भी क्षेत्र में, कला में हैं, वो उस कला के माध्यम से ही अपने लोगों को जागरूक करने का और अपने समाज का मीडिया बनने का प्रयास करें। क्योंकि हमें स्वयं को मीडिया बनना पड़ेगा साथियों, मीडिया भी बिका हुआ है, ये हम आगे बात करेंगे। हम आने वाले समय में आपसे जुड़ेंगे और उन तमाम बातों को और उन षड्यंत्रों को उजागर करेंगे जो ये मधुवादी सरकारें और ये ब्राह्मणवादी सरकारें आपके लिए रच रही है। इसलिए इन कानूनों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए जिले, पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान 9 महीने से बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के जुड़ने से इस किसान आंदोलन को बहुत बड़ा बल मिला है। क्योंकि साथियों, पहले सरकार क्या सोचती थी कि
पंजाब और हरियाणा में ही दो स्टेटों में किसान बैठे हैं, पंजाब में सिख बैठे हैं और हरियाणा में जाट बैठे हैं। लेकिन राष्ट्रीय किसान मोर्चा के समर्थन से इस आंदोलन को बहुत बड़ा बल मिला है और ये इतना विशाल प्रदर्शन होने वाला है कि आने वाले चुनावों में इसकी गूंज दिखाई देगी और इन सरकार जो सरकारें केंद्र में बैठी हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए एक बार पुनः निवेदन करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा इस रैली को सफल बनाएं। साथियों, आने वाले समय में हम इस देश में ब्राह्मणवाद के बारे में लोगों को जागरूक करते रहेंगे और इस देश की समस्याओं से रूबरू कराएंगे, चाहे वो शिक्षा हो, अशिक्षा हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, किसानों की आत्महत्या हो, और इतना ही नहीं सभी वर्गों की समस्याओं को लोगों के सामने रखेंगे, चाहे वो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, किसी भी वर्ग की समस्या हम उसको रखेंगे और लोगों को जागरूक करते रहेंगे। तो हमेशा हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है और बहुत जल्द आपसे एक अलग मुद्दे को लेकर इस देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करेंगे, हमारे इतिहास को जानेंगे, समझेंगे। एक बार सभी का पुनः धन्यवाद, सुनने के लिए आभार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।